अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ मैं, और आप ये देख रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जा नहीं रही। मैं वापस आ रही थी और फोटो के साथ गई हुई थी, तो सुबह के गए हुए थे क्योंकि हमारे मसला काफ़ी दूर से चल रहा था। जो आगे जाके आपको इन शाला जो पता चलेगा कि आप क्या बजे थे, तो मेरे बहुत बड़ा ब्लॉग है और बहुत हाँ जी, अब ये है कौन सा जैन मंदिर, जिसे पुरानी नारकली भी कहते हैं। यहाँ पे हमने स्टे किया था, तो यहाँ पे हमने उतरना था, तो मैं थोड़ा उनका वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे खाला जो है हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया था क्योंकि इनकी लेकर आती हूँ ऑपरेशन था, जो बहुत बच्चा ले गया मेरे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, इतने दिनों से मैं जो ब्लॉग नहीं बना रही हूँ उसकी एक रीज़न है, और आपने देखा होगा शुरू में कि मैं जा रही हूँ और इंश्योरेंस में कहीं से आ रही थी। मैंने वोट कास्ट नहीं किया क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं था कि मैं किसी को भी वोट दूँ। तो रीज़न क्या थी मेरी ओरिंग ट्रेंस से आने की, वो मैं आपको जाकर बताती हूँ। एक तो आपने देखा कि मैं हॉस्पिटल में थी खाला के साथ, इसके अलावा एक सबसे बड़ी रीज़न एक और थी। उस रीज़न के पास मैं जा रही हूँ कि हम पे क्या गुजरी थी, ये आपको वहाँ जाके देख के पता चलेगा। मैं भी सुबह सुबह आई हूँ अपने खाला को हॉस्पिटल ही छोड़ के, क्योंकि कल उनका ऑपरेशन है। और मैं अब नाश्ता करके साथ ही समीर को सुलाया और मैं आ गई हूँ यहाँ पर दिखाती हूँ। हाँ जी, मेन रीज़न मेरी ये थी कि मेरे भाई का हो गया था एक्सीडेंट, फियाज का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह ताला ने इसको दूसरी ज़िंदगी दी, बहुत इसकी वजह से परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। ये देखें इसकी टांग अभी पूरी, ये दिखाएगा ये तो दिखाने में होशियार है। देखें अंगूली से हो रही थी इसकी बहस, तो यहाँ पे इसकी टांग पे जो है जाल लगा, जिसकी वजह से इसकी टांग को उन्होंने सही किया। ये 3 महीने का रेस्ट है इसका, और अल्लाह ताला इसको सेहत याब करे, दुआओं में याद रखे हैं। जैसे आपने प्याज की कंडीशन देख ली है, तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जिस वजह से उसके नी के जो नीचे हड्डी होती है ना, वो क्रैक हुई है। तो उसका उन्होंने ऑपरेशन करके हड्डी को जोड़ा और उसको जाल लगाया है, तो उससे ये होकर हड्डी जो टांग है वो कवर रहेगी। तो अब खाला के पास जाना, उनका कल ऑपरेशन है, इसी चक्रों में लगी हुई मैं, और कुछ भी नहीं है। बच्चों ने कहा, बच्चे हैं ना, उनको क्या बताओ किसी से घर रखना, किस तरह से नहीं करना है। फातिमा को लेती थी, मैंने आज फातिमा को भी भेजा क्योंकि कल उसका मदरसा है। तो मेरी तबीयत इतनी हो रही है ना, पता मंडे वेडनेसडे से वो काम हुआ हुआ था, फिर इलेक्शन आ गए, फिर घूम के लेकर गए, ये वो करते करते मेरी टांगों की ना, अब मैं ज़रा सा चलती मेरी टांगों में तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे होता मन मन वजनी टांगें हुई हुई हैं, बस भी अलग परेशान करता है। तबियत ये साथ है हमारे हॉस्पिटल में, तो फिर सोच सकते हैं आपकी मेरी कैसी हालत होती है वहाँ पे। वैसे नहीं तंग करता बस, अब इसको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जो मैं कहूँगा मेरी बात पूरी होनी है। अम्मा ने चीज़ दिलानी, मैं रोऊँगा तो सारे पेशेंट्स कहेंगे कि बच्चा बहुत हो रहा है, तो ये चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और आज घर आके भी इसने फ़ायदा बड़ा उठाया, बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं उसके फ़ायदे को कामयाब नहीं होने दिया। चावल पकने मैंने रख दिए हैं, मैं खाना पका कर जाऊँगी दोपहर रात का, कल घर होंगे खुरम, तो वो मैंने अम्मी जी से बात कर ली है, तो वो सब्जी अम्मी को दे देंगे, अम्मी पका कर दे देंगी, ले आएंगे। फिर अम्मी ने भी अब डबल डबल अम्मी की जिम्मेदारी है, फ्यास की हो गई है, छोटा बच्चा बन गया वो भी एक, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, उसे अक्ल शऊर दे। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उसका, मैं आपको जब बताती हूँ, बहुत तेज़ी चलाता है बाइक, बहुत स्पीड से चलाता है, तो वो स्पीड उसको ले डूबी। खुदा रहा अपने बच्चों से कहा करें कि बाइक स्लो चलाए, नहीं सुनते बच्चे आजकल के, तो अपने पे एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है दूसरों को देख के इंसान सबक हासिल कर ले, कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती।
आप तो तकलीफ सहते सहते हैं, जो आपके ऊपर रिश्ते होते हैं ना, जो आप जिनसे आप जुड़े होते हैं, जो उससे ज़्यादा उस तकलीफ से गुजरते हैं। ये मेरे से बीत चुकी है और मेरी कंडीशन मैं नहीं बता सकती कि उस मेरी क्या कंडीशन थी। मुझे यह नहीं पता था कि मेरा चैनल कैसा जा रहा है, मुझे किसी चीज़ का इलम नहीं था। उस वक्त सामने ये बस आ रहा था कि मेरा भाई ठीक हो जाए। मैं मोबाइल मेरे हाथ में था, ये नहीं था कि नहीं था, मैं चाहती मैं देख सकती थी मगर मेरा दिल नहीं था। तो मैंने आज मैंने बुध को अपना व्लॉग बनाया था जो मैं अपलोड ही नहीं कर रही थी, यानी कि इसके एक्सीडेंट से पहले। तो फिर बच्चों ने कहा कि अम्मा आप ये तो करें ना, अब आप भी हम घर आ गए। तो फिर मैंने वो व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले ली। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं कोई तमाशा क्रिएट करूं कि मेरे भाई का ये हो गया वो, हाँ दिखाऊंगी जब वो खैरियत से घर आ जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो पूरी हिस्ट्री थे, मैंने मुस्लिम की दफ़ा भी ऐसा शेयर करती थी, मगर तब करती थी जब वो क्लियर हो जाता था, बाल पैसा होता था। अब अलहमदिल्ला भाई ठीक है, अलहमदिल्ला अब पट्टियाँ होंगी उसकी। फिर मेरे ख्याल में दो हफ्ते के बाद, ढाई हफ्ते के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो फिर मैं साथ चली जाऊँगी उसके। उस दिन जिस दिन उसको अंगूठी लेके गया इलेक्शन वाले दिन, और आप लोग समझ लगे शायद ब्लॉग के स्टार्ट में देखे कहेंगे ये वोट डाल लेंगे, नहीं मैंने किसी को वोट नहीं दिया, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है। मैं उसको वोट लाजमी दूंगी जो हमारे मुल्क का सोचेगा। फिलहाल तो कोई नहीं सोचता, सारे अपने अपनी जेबों का सोच लें, अल्लाह कोई ना कोई ऐसा तो भेजेगा ही जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमने किसी को वोट नहीं दिया, मैं खुद की से और इन चैन के जरिए। तो अब ये है कि मैंने अपना वोट ज़ाया किया, मेरी पूरी फैमिली ने अपना वोट ज़ाया किया। अम्मी अबू का वैसे ही ज़ाया हो गया क्योंकि भाई हो गया था, तो मैंने तो वो कहाँ जाते वो उसके साथ ही जाना था। तो मैंने शुरू से ही कह दिया कि मैं वोट नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। चोरियाँ करके डाके डाल के हम अच्छे बन जाएँ तो फिर तो इसका मतलब हम तो उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, हम तो सीधा जन्नत में जाएंगे। जब उनके लिए जन्नत है तो हमारे लिए भी जन्नत ऑटोमेटिकली तैयार है। तो यहाँ पर मगरिब होने लगी और अंधेरा होना शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल में मुझे लाइट खोल देनी चाहिए। हाँ जी, इतनी क्यों स्क्रीन डार्क हो गई है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं है। चलें जी, मैं बस अब तैयारी कर रही हूँ जाने की, क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया। तो इन्होंने कहा था मैं तुम्हें रात को ही छोड़ आऊँगा, मैं इनकी वजह से आई क्योंकि ये बार बार कही जा रहे थे कुरिया तो घर नहीं आना है, मेरे बगैर तो सारा ख़ानदान उदास है। जिस वक्त मैं घर पर होती तो उस वक्त कहते कहीं जाना नहीं है, चलिए जब मैं घर में नहीं हूँ तो गुड़िया से घर आ जा। मैं अपने ब्लॉग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे बनाऊँ, अच्छी क्रिएट करूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं कर दिया करो, कम से कम 5 मिनट की तो वीडियो देखा ही करें। मेरी होती ही छोटी सी वीडियो है, बनाऊँगी बड़ी वीडियो वीडियो। तो खाना अम्मी ने कल बना दिया था, चने अम्मी ने वो लाया था, आलू गोश्त लाया था वहाँ पे, तो हमें भी भेज दिया। हमें क्या भेज दिया, मैं सुबह फिर जैसे प्याज को मिलने गई थी तो मैं साथ सालन भी लेकर आ गई थी कि चलो दोपहर का अगर नहीं खाएंगे तो रात में खा लेंगे। तो अब मैं चावल भी बना दी हूँ, वो चावलों को बारी आ गई है, मैं बस बर्तन धो लूँ तो थोड़ा पा बहुत सामान से मिट लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, इतनी तकलीफ हो रही है टांगों में। गंगाराम में मैंने कम अज़ कम पुराने गंगाराम से यानी कि OPD से मैंने न्यू एमरजेंसी में, जो जानते होंगे गंगाराम को हॉस्पिटल को, मैंने एमरजेंसी के कल 6 चक्कर लगाए हैं। फिर अगर खाना भी खा लेने जाना है तो एमरजेंसी में जाना है, कुछ करने जाना है एमरजेंसी में जाना है। हम वहाँ पे क्यों नहीं कोई सहूलत प्रोवाइड करते जहाँ पे हम एडमिट हैं, तो अल्लाह जाने हुकूमत की हुकूमत ही जाने। न्यू हॉस्पिटल में हम बड़े जलील हुए, फ्याज के चक्कर में बहुत जलील हुए। मैं इस हद तक हो गई थी कि सुबह फजर के टाइम मेरी बस हो गई थी, इसकी चीखें नहीं रुकी थी, तो मैंने फ्याज को तंग आके कह दिया था,
इसको स्टिच लगवाओ, मैं इसको लेकर जाना है। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मैं लेके आ रही हूँ, मेरी मेरे से इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही, हम इसे सुबह ही घूर के लेकर जाएंगे। मम्मी ने भी बड़े मामू को फ़ोन किया, बड़े मामू ने मुझे फ़ोन किया कि ये गलती ना था। मैंने कहा नहीं मामू, उस गलती से ये गलती करना बेहतर है कि हम इसको यहाँ से ले जाएँ। वो उसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं, नहीं उसको सही से कर रहे हैं। प्लीज़ जो कर रहे हैं, उन्होंने इतना सा भी नहीं पूछा, इतना सा भी नहीं पूछा उन्होंने। नीचे देख ले, फिर अब हमने फैसला किया कि इसको घर लेकर जाते हैं। मैं 5 सुबह फजर के टाइम मैं प्यास को घर ले आई थी, फिर मैं 5 बजे 5:30 बजे मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ पे मैं सो गई थोड़ी देर, 8:30 बजे खाला के फिर उठा दिया कि जो लेकर नहीं उसको जाना। फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता किया, कराया, बर्तन धोए, सब कुछ कर करा के मैं घर से निकली हूँ। तो मामू ने कहा कि तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं भी निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। और साथ हमारे पास पैसे थे, जितने पैसे थे हमारे, कुछ न्यू हॉस्पिटल वालों ने लगवा दिए, कुछ जौन से थे टैक्सी को दिए, उसको एम्बुलेंस को दिए, आने जाने के दिए, तो पैसे हमारे पास ख़त्म हो चुके थे। फिर मामू आए, उन्होंने फिर मैं जब घूर के गए, हमारा आखिरी नोट तब ख़त्म हुआ जब उन्होंने एंट्री करवाई इसकी और इसके एक्सरे करवाए, तो हमारे पास पैसे ख़त्म थे। और मैं स्ट्रेचर के पास ही खड़ी होकर दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला मेरे मामू आ जाए, तब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यकीन माने अल्लाह ताला ने भी करीब होकर सुनी, और मेरा मामा भी, अल्लाह ताला उनको सेहत मिली दे, ऑन द स्पॉट पहुँच गए। मैं जब उनको देखा मेरी आंखों में आंसू के शुक्र आ गए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर मामू ने मुझे कहा तो बोला तू अभी छोड़ दो, तुम दोनों चले जाओ घर, मैं पीछे से देख लूँगा। अगले दिन ही मामा उसको घर लिया था ऐसे। फिर कल की मैं फिर हॉस्पिटल गई, एक दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन फिर मैं हॉस्पिटल गई। अब खाला को 5 दिन हॉस्पिटल रखना है, तो 5 दिन मैं वहीं रहूँगी, घर के भी चक्कर लगाती रहूँगी और उनको भी देखना है। उनकी जो एक आँख का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने ख़राब कर दिया, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, उसका नहीं करेंगे अभी, दूसरी आँख का करेंगे, फिर उसका स्कूल करेंगे, देखिए क्या बनता है उनका। ये चलिए बस मैं बोल बोल कर थक गई, आने वाले हैं ये, यहीं पर पैंट रखती हूँ, बर्तन धोते धोते दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे घर को रखें, मेरे भाई को रखें, अल्लाह ताला उसको फिर भी दे। अल्लाह हाफिज़।